दोस्तों, खाने में अगर नमक ना हो तो खाने में स्वाद नहीं आता। अब नमक के बारे में अगर हम बात करें तो ये जिस एरिया में मैं खड़ा हुआ हूँ, पीछे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हो रही है नमक की खेती। तो पीछे ये जो आपको छोटे छोटे टीले दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो दिख रहे हैं 2-3, ये बेसिकली नमक के टीले हैं। और बात ये है कि यहाँ पर ये जो एरिया है भावनगर के पास में है, और यहाँ पर समुद्र का पानी यहाँ तक आता है। पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा वाटर है समुद्र का, और यहाँ पर नमक की खेती होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र जो है नमक की खेती के लिए जाना जाता है। तो नमक यहाँ से उसको प्यूरिफाई करके, प्रोसेस करके, पैकेट बना करके फिर आपके पास पहुँचता है। तो चाहे आप टाटा का नमक खाते हो, चाहे आप जिस किसी भी कंपनी का नमक खाते हो, तो नमक बेसिकली यहीं पर बनता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये पानी बेसिकली समुद्र का पानी है, दरिया का पानी बोलते हैं इसको गुजराती में, और यहाँ इसी को सुखा करके नमक बनाते हैं। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली नमक है जो यहाँ पर बना हुआ है, तैयार है यहाँ पर। तो इस तरीके से नमक का ये ढेर बना करके इसको फिर पैक करके इसको जो है वो बेचते हैं। बेसिकली प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये पूरा एकदम नमकीन है। अब ये आयोडाइज नमक नहीं है, ये बेसिकली नॉर्मल नमक है। इसमें आयोडीन मिला करके फिर इसको पैक करके भेजते हैं, तो ये आयोडाइज हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे खाने में नमक की बात। तो हम खाना खाते हैं, खाने में मसाले डालते हैं, मसाले में सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट होता है नमक का। तो देखिए ये नमक इस तरीके से बनता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और नमक, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं कि नमक नमकीन और जो स्वाद है वो नहीं आ रहा है, तो वही इसका कारण यह नमक है। और देखिए नमक इस तरीके से बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।